अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम है आप सबको बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल में। आज बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल में क्या बन रहा है? आज बन रहा है नींबू का अचार, लेमन पिकल बन रहा है। लेमन पिकल की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ नींबू का अचार। गर्मियाँ आ गई हैं, अचार बनाएं और अपने घर का फ्रेश अचार से इंजॉय करें। तो चले जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं लेमन का अचार। ये देखें लेमन का अचार को मैंने, वेलकम है आप सबको बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल में। आज बनने जा रहा है लेमन का अचार, जिसको लेमन पिकल भी कहते हैं। तो ये रेसिपी मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार नींबू का अचार बनता है। इसकी रेसिपी आप देखें और यकीन जाने घर का बना हुआ जो अचार का मज़ा होता है वो बाज़ार मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास नींबू है और ये कितने ज़बरदस्त फ्रेश और पतले छिलके वाला लेमन है। और ये मेरे पास होंगे मेरे ख्याल में 1 किलो से 2 किलो तक होगा वज़न इसका। तो इसको मैंने पहले धो लिया और सुखा लिया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये नमक, क्योंकि अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा जाता है, तो ये जाएगा नमक आपके 1 कप कह लें या 1/2 कप नमक जाएगा। ये मैंने 7 से 8 टेबल स्पून नमक लिए हैं, 7 to 8 टेबल स्पून सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें सिरका जाएगा, विनीगर 1 कप विनीगर जाएगा, क्योंकि सिरका जो है, विनीगर जो है वो आपके अचार को ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। काला नमक जाएगा इसमें, 3 से 4 टेबल स्पून काला नमक डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ब्लैक सॉल्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें चला जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा अचार का, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा शक्कर, थोड़ा सा खट्टा मीठा में ज़रा सा शक्कर डाल दो तो बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच शक्कर, शुगर, ठीक है। और इसमें जाएगा सरसों का तेल, जिसको कहते हैं मस्टर्ड सीड ऑयल। ये मेरे पास कितना, 1/2 कप से ऊपर, बल्कि 1 लीटर है ये, तो मैं इसका 1/2 लीटर यूज़ करूँगी, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जो अचार की जान होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये मसालों में है 1 चाय का चम्मच भर के क्यूमन सीड, सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भर के है काली मिर्च, मोटा मोटा कूट लिया है, ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर को मोटा मोटा कूट लिया है। अच्छा, 1 टीस्पून है आपका अजवाइन, जिसको कैरम सीड कहते हैं, अजवाइन है 1 टीस्पून, ठीक है। ये 3 मसाले हैं बस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेमन को हमने कैसे काटना है। ये देखें, आपने लेमन को इस तरह काट के 4 हिस्सों में कर दें, ये देखें, ये देखें, ऐसे ऐसे काट काट के मैं रखती जाऊंगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चले जी, वेलकम बैक। ये देखें इधर, आप मैंने अपने लेमन, सारे लेमन को काट लिया इस तरीके से। अब मैं, ये शीशे का जार है, आपने हरगिज प्लास्टिक का जार नहीं लेना है, आपने या तो शीशे का लेना है या फिर आपने क्या कहते हैं मिट्टी का लेना है वो, मगर शीशे का इज़ ए बेस्ट, ताकि ये अचार को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तमाम लेमन्स को इसमें डाल देती हूँ मैं। बहुत ही क्विक बनेगा, इंस्टेंट बनेगा ये। ये देखें, ये मैंने डाल दिया लेमन, ये चला जाएगा नमक, सॉल्ट, ये देखें जितना मुझे चाहिए होगा वो इतना डालूंगी बस, थोड़ा गिर भी गया। ये देखें, इतना मुझे सॉल्ट चाहिए, वो चला गया। इसको सॉल्ट के साथ मिलाएंगे और हमेशा वुडन स्पून यूज़ करना है, आपने स्टील यूज़ नहीं करना है। वुडन स्पून मतलब लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। तमाम मसाले जो हैं, जिसमें ये जो है मसाले, ये डाल दिए सारे। अच्छा, सिरका, विनीगर, सिरका जाएगा
एक कप, बस एक कप सिरका ज़रूरी है, ये अचार को ख़राब नहीं करेगा। सिरका चला गया, काला नमक ब्लैक सॉल्ट ये डाल दूंगी मैं 2 चम्मच, ये आप अंदाजे से, ये बड़ा मज़ेदार फ्लेवर लाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिए काला नमक, जिसको ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ये चला गया। अच्छा, साथ में इसमें चला जाएगा रेड चिली पाउडर, वो भी मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर कलर के लिए, अच्छा कलर आएगा इसमें। अब इन सब को, बस बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, इन सब को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ऐसे। ये देखें मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अच्छी तरीके से इन सब को मिक्स करेंगे, सिरका है, सब कुछ है इसमें, नमक है, और ये अपना पानी छोड़ेगा, आई मीन लेमन खुद ब खुद ही अपना हल्का सा वाटर छोड़ेगा इसमें, और इसमें ये सब मिक्स करने के बाद और इसमें डल जाएगा शक्कर, शुगर, चीनी डालूंगी इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच 3। ये हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट लाएगा, ये ऑप्शनल है, जिनको शुगर नहीं डालना है वो छोड़ सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। मैं शक्कर इसलिए डाल रही हूँ कि ये ज़रा सा कहते हैं ना कि खट्टा मीठा सा टेस्ट होगा, क्योंकि नींबू है खट्टा और ये है आपका चीनी, और इसको साथ मिला के बड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, बट ये ऑप्शनल है, अगर जिनको चीनी नहीं डालना वो ना डाले। ठीक है, मैं डाल रही हूँ। आखिर में जाएगा सरसों का तेल, अचार की जान सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल दें जितना आपको चाहिए। चले, चला गया हमारा मस्टर्ड ऑयल। ये अचार जो है ना इतने मज़े का बनेगा लेमन का, और ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करेगा जब ये घर का बन जाएगा। ये देखिए, इन सबको मिला लो। अब मैं इसको ढांक के जो है जब जब धूप आएगा मैं धूप में रख दिया करूँगी, और इसको वैसे भी ढांक के आप कमरे में, मतलब कि ढांक के अच्छी तरह से इसको कमरे में रख दें, और फिर मैं 2-3 दिन के बाद इसको मैं जार में डाल दूंगी, साथ ही रहूंगी। ये आ रहा है ना मुंह में पानी। घर पे बनाए घर के घर का अचार का जो मज़ा होता है, बाहर का अचार में हो ही नहीं सकता। ठीक है, घर का अचार बनाए और मज़े ले ले कि गर्मियों में तपती धूप में, कहते हैं ना कि चावलों के साथ या दाल के साथ इसको एंजॉय करें। तो चले जी, आज की रेसिपी मैंने शेयर कर दी, लेमन पिकल नींबू का अचार, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखें, शेयर करें रेसिपी को, और बेनज़ीर कुक्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चले जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।